so now we are going to discuss under the course trends and issues in early childhood education uh, goals for peace education because peace education is a new trend in ecc so we are going to discuss how we can ensure peace education in our early elementary students so the first of all is the criteria for examination of success because there are several initiatives that have been taken for the peace education

फिर हम ये भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो पीस रिलेटेड एक्टिविटीज़ हुई हैं वो कौन कौन सी हैं उनके इम्प्लीकेशन क्या है उनके नतज क्या हैं ख़ास तौर पर हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन्होंने पीस एजुकेशन के लिए थ्रू आउट एक एजेंडा जो है वो अपनी नेशनल पॉलिसीज़ में रिसेंट जो नेशनल पॉलिसीज़ हैं एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं उनमें इंट्रोड्यूस करवाया है और वजह उसकी ये है कि से सारी दुनिया के अंदर बहुत से इरेगुलरिटीज़ और लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन जो है वो क्राइसिस uh, की तरफ जा रही हैं हमारे मुल्क में भी टेररिज्म और इस तरह के बहुत से मसाइल हैं तो क्यों ना बच्चों को इब्तदा ही से अमन की तालीम दी जाए जिसके मुख्तफ पहलू हैं अगर उन्हें हर वो पहलू जो ह्यूमन राइट से रिलेटेड है नहायत बचपन में ही उनको बता दिया जाए तो आने वाली ज़िंदगी उनकी बेहतरीन हो सकती है फिर स्कूल्स एक्टिविटीज़ ऑफ पीस एजुकेशन इन पाकिस्तान हमारे जितने भी स्कूल हैं जहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इंट्रोड्यूस करवाई जाती है वहाँ पे इंश्योर किया जाता है कि पीस रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी कंडक्ट करवाई जाएं। अब देखिए पाकिस्तान के अंदर पीस एजुकेशन के सिलसिले में क्या हो रहा है कुछ तो गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि रिसेंटली जो हमारी पॉलिसीज़ हैं उनमें मैंशन किया गया है कि स्टूडेंट्स को पीस एजुकेशन के बारे में कंटेंट भी फ्राहम किया जाए और जो टीचर्स हैं वो ख़ास तौर पर इसके लिए ट्रेन किए जाते हैं डिफरेंट फोरम्स हैं हमारे गवर्नमेंट के और फिर उनको क्लासरूम के अंदर पीस एक्टिविटीज़ प्रैक्टिस करने के लिए आ, कहा जाता है कुछ ऐसी भी एक्टिविटीज़ हैं कुछ ऑर्गनाइजेशन हैं जिनका ख़ास तौर पर मकसद ये है कि वो पीस ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ मुख्तफ़ स्कूलों में करें वहाँ कुछ उनकी एक्टिविटीज़ हैं मिसाल के तौर पर बरगत फाउंडेशन बरगद फाउंडेशन यूथ लेड एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है यानी नौजवान ही इसको मैनेज करते हैं और नौजवानों और छोटे बच्चों के लिए है जिसमें वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ जु, में भी जाते हैं जहाँ मुख्तलिफ टीचर्स को फैकल्टी को और स्टूडेंट्स को वो जो प्री आ, सर्विस हमारे टीचर्स हैं उनको भी वो अमन के अमन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के बारे में बताते हैं और फिर वो बच्चों के साथ भी अमन से मुतिक जो भी सरगर्मियाँ हैं वो करने में उनकी मदद करते हैं फिर सदाको फाउंडेशन है सदाको फाउंडेशन बड़ी दिलचस्प कहानी है इसकी आ, वो यूँ है कि जैसे हिरोशिमा का जब आपको पता है बम गिरा था तो कितने बड़े पैमाने पे तबाही आई थी तो जापान में एक एंट हिरोशिमा एंट वो चूंटी वाला एंट ही है क्योंकि वो ये कहते हैं कि जिस तरह से चूंटी छोटा सा काम लेके अपने पूरे लोगों को साथ लेके कुछ ना कुछ कर लेती है कुछ चेंज ले आती है तो हमारी फाउंडेशन भी ये चेंज ला सकती है तो उन्होंने सदाको प्रेयर के नाम से आज़ाद कश्मीर जो आ, हमारे वहाँ पे फारूक थे उनको उन्होंने भेजा उनके जो मिनिस्टर थे कि भाई आप अपनी बच्ची को पढ़ने के लिए दें जो फारूक आज़ाद जो थे उन्होंने जब अपनी बच्ची को दिया वो भी बड़ी मुतासर हुई उसके नतीजे में वहाँ उन्होंने एक फ़ारूक सदाको स्कूल जो है वो उन्होंने वहाँ पे इनिशिएट किया और उस स्कूल में बहुत सी पीस एक्टिविटीज़ जो थीं वो अमल में आई फिर उसके जो इनिशिएटिव था वो बहुत से स्कूलों में फैल गया और फिर एक वक्त आया जब हमारे मुल्क की फिफ्टी एट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सिदाकों का जो पीस का पैगाम था अमन का पैगाम था वो पहुँचाया जा रहा था फिर रावी फाउंडेशन है ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि 2010 में जब हमारे मुल्क में सलाब आया फिर 2011 में फिर 13 में तो सिर्फ इंसानों के साथ साथ बहुत से जानवर जो थे वो भी सैलाब की नज़र हुए बीमार हुए खाना पीना उनका ख़त्म हुआ तो ये जो रावी फाउंडेशन है ये एक ऐसी फाउंडेशन है जो ना सिर्फ जितने भी हुमन डिप्राइव्ड ग्रुप्स हैं जैसे गर्ल्स हैं वमेन हैं डिप्राइव्ड जो लोग हैं दूर दराज के इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले उनके ख्याल के लिए पीस के मिशन को आगे बढ़ाते हैं वैसे वैसे वो जानवरों की भी खिदमत करते हैं उनको जाके खाना खिलाते हैं और उन्होंने बाकायदा ऐसी आ, कैंपेन्स उन्होंने जो है वो इम्प्लीमेंट की हैं जिससे जो छोटे बच्चे हैं उनमें जानवरों की मोहब्बत पैदा हो और उनको जानवरों का ख्याल रखने के लिए मुख्तल तरह के ब्रोशर्स और तहरीक और सेमिनार वगैरह उन्होंने शुरू किए फिर हार्मनी फाउंडेशन है हार्मनी फाउंडेशन भी पीस की एक्टिविटीज़ करती है और ये भी सारे डिप्राइव्ड ग्रुप्स जो हैं उनको कैटर करती हैं इंटरनेशनल बॉडीज वर्किंग इन पाकिस्तान यू हैव सीन के आर नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर working वर्किंग ओवरऑल पाकिस्तान फॉर द इम्प्लीमेंटेशन एंड propagation of peace क्योंकि देखिए पीस के बग़ैर तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते कोई भी ऐसी कैटस्ट्राफी हम सबको परेशान कर सकती है इश्यूज फेस फेसिंग पीस एजुकेशन पीस एजुकेशन कहना आसान है और इसके लिए जैसे मैंने अर्ज किया बहुत सी कैंपेन्स भी चलाई जा रही हैं फिर भी इसको ग्रास रूट लेवल पे और अर्डली चाइल्ड हुड में लेके आना अच्छा खासा मुश्किल है लेकिन जहाँ जहाँ पे मिसाल के तौर पर अगर की तरबियत हो जाए पीस एजुकेशन में तो बच्चों तक उस कॉन्सेप्ट को लाना बहुत आसान है तो इस सिलसिले में इन इश्यूज़ को कैटर करने की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोशिश करती है और साथ साथ इसीलिए वो जितने भी फैकल्टी है जितने भी इस हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं